तो यार आ चुके हैं मिथबस्टर सीरीज के पहले वीडियो के साथ वापस। एंड यार पिछले वीडियो में जिन्होंने भी मिथ लिखा था उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आज उन मिथ्स को ट्राई करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपके पास कुछ नए मिथ्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अब भी जाओ और लिख दो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद लिखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका मिथ इन मिथ्स में से आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले मिथ की तरफ। संजय कुले, मस्त वीडियो भाई, अरे अरे थैंक यू, पर इतना हंस क्यों रहे हो? अच्छा खैर मिथ, हम पानी के अंदर हिल कर सकते हैं, बस पानी के अंदर गाड़ी ले जाना है और गेट इन करना है। क्या मेरे भी लोगे? अरे इतना सेट क्यों होते हो, लेंगे ना वो ब्रो। तो यार देखो, जैसे ही हमारे सांस फूलने लगते हैं यहाँ से हीलिंग का ऑप्शन ही गायब हो जाता है। और अब देखते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं, मतलब कैरेक्टर के जो फेफड़े हैं, उनमें जब पानी घुसने स्टार्ट हो जाता है तो वो जब लाल हो जाता है तो डैमेज होता है ना। तो देखते हैं कि क्या हम हील कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हीलिंग का ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन बैगमर जाके वहाँ से हम कोई भी अपने हील किट को या फिर ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, बैंडेजेस को यूज़ करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो हिज मिथ इज कन्फर्म्ड। नयन गेमिंग, हम बोट को एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। सच में क्या भाई? मेरा मिथ ले ब्रो। अच्छा ओके कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो चलो पहले बोट के हाथों मरते हैं। अरे हाँ यार सच में, जैसे हम बॉट के हाथों मरते हैं उसके बाद सेपरेट ओपोनेंट करते हैं तो फिर पता नहीं किसके ऊपर आ जाते हैं, और शायद से ये नियर बाई कोई भी एनिमी हो तो उसके मतलब पास आ जाते हैं। तो हिज मिथ इज कन्फर्म्ड। रोनी देवनाथ, मिथ, अगर आपका कैरेक्टर काला रहता है तो वार मोड में वो सफ़ेद हो जाएगा। ब्रो मेरा मिथ लोगे ना? अरे ज़रूर ब्रो। तो चलो पहले इस मिथ को ट्राई करते हैं, अपने कैरेक्टर को काला करते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला कैरेक्टर उसको सिलेक्ट करके मैच में भी एंटर हो गया। अभी देखते हैं कि क्या हमारा कैरेक्टर कैसा दिखता है। अरे हाँ भाई सच में, वार मोड में आने के बाद तो ब्लैक कैरेक्टर भी सफ़ेद हो जाता है, मतलब शायद से मेकअप वेकअप करके आते हैं। खैर जो भी हो, हिंस मिथ इज कन्फर्म्ड। ब्लैक डेविल, अरे काले चचा कैसे हो आप? मिथ, सात पंच में मेराडो के टायर फूट जाएंगे लेकिन टेम्पो के नहीं। ओके सो फनी वीडियो ब्रो, अरे थैंक यू, प्लीज टेक माई मिथ। ओके जरूर लेंगे। तो चलो पहले देखते हैं, टेम्पो का टायर सबसे पहले फोड़ेंगे उसके बाद मेराडो के। अरे हाँ यार, टेम्पो का टायर फोड़ने में तो हमें सात से ज़्यादा पंच मारने पड़ रहे हैं। खैर देखते हैं मेराडो का टायर कितने पंच में फोड़ते हैं। अरे नहीं ब्रो, मेराडो का टायर छः पंच में ही फोड़ जा रहे हैं। सो हिंस मिथ इज बस्टेड। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आगे भी इस सीरीज़ के वीडियोस आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो यार मेरे तरफ से ये मिथ कन्फर्म्ड है, अब आपके ऊपर है कि आप सब्सक्राइब करते हो या नहीं। और अगर आपके पास कोई नया मिथ है तो आप कमेंट में लिख दो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की पूरी ट्राई करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।